फ है बेटर देन अदर प्लेसेस तो थोड़ा सेफ़ है तभी इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऐसा बोला है कि जो ईस्टर्न के बच्चे हैं वो वेस्टर्न में आके बॉर्डर क्रॉस करे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा लेकिन हाँ जैसे मैंने और बच्चों को देखा है जो ईस्टर्न साइड रह रहे हैं कीव में रह रहे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स का देखना पड़ रहा है क्योंकि वो लोग बंकर्स में रह रहे हैं और दो दो रात ऐसे गुजार रहे हैं नीचे पत्थर है वहाँ सो रहे हैं तो ये सारी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है वहाँ पर अच्छा बिश्वा ये बताइए कि जिस तरीके से जो इस तो ये मामला पैनिक हुआ है बहुत पैनिक में है क्योंकि मैं कीव देख कर आई हूँ जिस दिन हमला हुआ था उसी दिन मैं कीव में ही प्रेजेंट थी अपनी फ्लाइट लेने गई थी जो बिकॉज ऑफ बॉम्बिंग मिसाइल्स उसकी वजह से मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पैनिक में थे और इनफैक्ट लोकल पीपल भी सारे के सारे अपने घर से निकल गए थे सामान वगैरह लेके और किसी तरह से कीव से बाहर जाना चाह रहे थे वो बट अभी तो ऐसा है कि कीव से बाहर जाके भी कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि रशिया पूरे यूक्रेन में हमला कर रहा है जो आइसोलेटेड सिटी है वेस्टर्न जो कह रहे थे कि बहुत सेफ है वहाँ भी हमले हो रहे हैं तो अभी वहाँ पे फिलहाल कोई भी ऐसी कोई जगह नहीं है जो बिल्कुल ऐसे कहा जाए कि सेफ है जिस तरीके की मेन तो होता है एक तो साइकोलॉजिकली होता है कि हाँ कुछ बच्चे जा रहे हैं और वो रह गए हैं और इस टाइम तो ऐसा है कि जो बिल्कुल ही आइसोलेटेड जगह पे उनको एम्बेसी कोई कहीं से कुछ हेल्प नहीं मिल रही है और हम, हम 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 तो शायद थोड़े लकी हैं कि हम आ गए हैं लेकिन जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं अभी भी यूनिवर्सिटी में जो रह रहे हैं हॉस्टल्स में रह रहे हैं कई उन्हें हॉस्टल्स छोड़ दिए थे उनके पास सामान नहीं है खाने को कुछ नहीं है और ए में इतनी लंबी लंबी लाइन है पैसे तक निकालने के लिए उनको एक एक घंटा रुकना पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा टफ लाइफ लाइन है हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस है वी कॉन्ट मिस क्लासेस और इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऐसा बोला था यू मेक कम यू में कम का मतलब होता है कि आपको आना है तो आप आ जाओ नहीं तो मतलब कोई खतरा नहीं है नहीं। ये ऐसा साउंड कर रहा था लेकिन जब उन्होंने ट्वेंटी फेब को जो एडवाइजरी डाली थी कि एवरी वन शुड कम तो सारे बच्चों ने फटाफट से टिकट कराई थी बट उससे पहले जो दो एडवाइजरी आई थी इंडियन गवर्नमेंट से वो बहुत लाइट था तो वो इसको एस देख के ऐसा लगा नहीं कि जाना चाहिए बहुत ऐसा तो था कि आप आना है तो आ जाओ नहीं आना है तो मत आओ इस टाइप का कुछ था तो हम लोगों को अपना एजुकेशन देखना है मेरी तो सिक्स ईयर की डिग्री है तो मैं ऐसे तो छोड़ के आ नहीं सकती तो कुछ स्ट्रिक्ट देना चाहिए था तो जब उन्होंने ट्वेंटी को कुछ स्ट्रिक्ट दिया तो हम लोगों ने तभी के तभी फ्लाइट्स कराए